हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी पोजीशन या डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने बहुत सारे इससे रिलेटेड सेशंस कवर किए थे जिसके थ्रू हम किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से उसके डायरेक्शन या पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ मैं प्रीफिक्सेस आपको बताऊंगा, उनका मीनिंग समझाऊंगा और फिर उसके बाद में उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। एग्जांपल्स कवर करने का पर्पस इतना है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टर्मिनोलॉजी किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले उसके प्रीफिक्सेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीफिक्स का डेफिनेशन यही होता है कि वो कुछ वर्ड्स जो किसी भी टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट में अटैच होकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं या उसका मीनिंग डिनोट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रीफिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट है हमारे पास, पहला जो प्रीफिक्स है वो है पोस्ट। पोस्ट बहुत ही सिंपल है। पोस्ट को हम कब यूज़ करते हैं, पोस्ट प्रीफिक्स तब यूज़ होता है जब भी आपको किसी चीज़ में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बिहाइंड या फिर आफ्टर शो करना। ठीक है, बिहाइंड या आफ्टर, तो दोनों केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। अब ये तो हमने थियोरटिकल इसका देख लिया कि हाँ, पोस्ट हम यूज़ करेंगे आफ्टर को शो करने के लिए या बिहाइंड शो करने के लिए, बट उस केस में हमें कुछ एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कुछ एग्जांपल्स, जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि हाँ, कब हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। पहला एग्जांपल है पोस्ट ऑपरेटिव। ये भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, पोस्ट ऑपरेटिव, जिसका मीनिंग क्या है, आफ्टर अ सर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन शो करना, जैसे मेडिकेशन आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन, इसको अगर हमें शोकेस करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन। ठीक है, उसी तरह से एक मोस्ट कॉमनली टर्म है पोस्टमार्टम, उसका मीनिंग क्या होता है, आफ्टर डेथ एन एग्जामिनेशन और स्टडी कंडक्टेड आफ्टर डेथ कॉमनली नोन एज ऑटोप्सी। ओके, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम, जहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, तो वो भी क्या है, एक प्रोसीजर है जो हम आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन जो स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं, उस पूरी टर्मिनोलॉजी को तो बोला जाएगा पोस्टमार्टम, और जो प्रीफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है पोस्ट। ठीक है, उसी का वाइस वर्सा होता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल मीन्स जहाँ पर एक ड्यूरेशन होगा जो बिफोर बर्थ, रिलेटिंग टू द पीरियड आफ्टर बर्थ, तो उस चीज़ को हम क्या डिनोट, किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करेंगे, पोस्टनेटल। तो यहाँ पे भी अगर आप अब तक के जो भी हमने तीन प्रीफिक्स के एग्जांपल डिस्कस किए हैं, इन प्रीफिक्स के पोस्ट प्रीफिक्स का जो एग्जांपल डिस्कस किया है, उसमें जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, आफ्टर। आपको हर चीज़ में आफ्टर यूज़ हो रहा दिखेगा यहाँ पे, जैसे आफ्टर द सर्जिकल ऑपरेशन, आफ्टर डेथ, आफ्टर बर्थ, तो उस आफ्टर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स पोस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है पोस्टीरियर। जैसे अगर आपने पहले वाले सेशंस कवर किए होंगे तो वहाँ पे हमने एक पोस्टीरियर टूथ भी यूज़ किया था, है ना, तो वो भी पोस्टीरियर टर्मिनोलॉजी के कंपोज करके बनता है, जहाँ पे पोस्टीरियर, तो पोस्ट यहाँ पे क्या शोकेस कर रहा है, समथिंग एज आफ्टर या बिहाइंड। तो ये बिहाइंड के लिए एक एग्जांपल हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, लोकेटेड एट द बैक और बिहाइंड स्ट्रक्चर। तो पोस्ट दोनों चीज के लिए यूज होता है, आफ्टर के लिए भी और बिहाइंड के लिए भी। तो जो ऊपर वाले तीन एग्जांपल्स हमने देखे वो थे पोस्ट, जो आफ्टर को शो कर रहे थे, और जो पोस्टीरियर है उसमें पोस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज को बिहाइंड अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स हो गया हमारा पोस्ट। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास प्री। प्री का मीनिंग क्या हो गया, पहले या बिफोर, पहले या फिर इन फ्रंट, तो बिल्कुल ये पोस्ट का अपोजिट होता है,
दोनों केसेस में। पोस्ट हम यूज़ करते थे आफ्टर के लिए और प्री हम यूज़ करते हैं बिफोर के लिए। पोस्ट हम यूज़ करते थे बिहाइंड और ये होगा इन फ्रंट प्री। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है प्रीनेटल। प्रीनेटल मींस बिफोर द बर्थ। तो अगर किसी चीज़ को आपको बिफोर द बर्थ शो करना है तो आप यूज़ करोगे प्रीफिक्स प्रीनेटल। वैसे ही हमारे पास आता है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव का मीनिंग क्या हो गया? बिफोर अ सर्जिकल ऑपरेशन। तो इस तरह से भी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव का डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पे आपको इसका आंसर करना होगा कि यहाँ पे हम प्रीफिक्स का डिफरेंस है। एक जगह पे हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं पोस्ट और एक जगह पे यूज़ कर रहे हैं प्री। जो पोस्ट यूज़ हो रहा है वो शो करने के लिए हो रहा है किसी भी चीज़ को आफ्टर या बिहाइंड, और जो प्री प्रीफिक्स होता है वो यूज़ होता है किसी भी चीज़ को बिफोर या इन फ्रंट शो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्री हाइपरटेंशन। अब प्री हाइपरटेंशन क्या होता है? अ ब्लड प्रेशर लेवल दैट इज हायर देन नॉर्मल बट नॉट येट क्लासिफाइड एज हाइपरटेंशन। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में ये भी होता है कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन नहीं होता बट उससे पहले कि जस्ट एक लेवल पे जब ब्लड प्रेशर हो तो उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन, मतलब पहले, बिफोर। अभी वो एक्चुअल स्टेज पे नहीं है बट वो कहीं ना कहीं उस डिजीज़ की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, तो उस प्री डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन, क्योंकि वो एक स्टेज पर जाके वो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होता है। बट अभी वो हाइपरटेंशन नहीं है तो उसको प्री, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो प्री मतलब पहले, जस्ट उससे पहले। सिमिलरली हमारे पास आता है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज भी वही कंडीशन होती है जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल्स आर एलिवेटेड इंडिकेटिंग अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायबिटीज डेवलप होने वाला है। अभी हुआ नहीं है बट हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में वो हाई है, एलिवेटेड है। तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे? प्री डायबिटीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स जिसमें हमने डिस्कस किया बिफोर और इन फ्रंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास रेट्रो। इन फ्रंट का इसमें एग्जांपल नहीं है बट आप इसको जैसे हमने पोस्टीरियर देखा था वैसे प्रीस्टीरियर भी हो सकता है कि इन फ्रंट ऑफ, लोकेटेड एट द बैक और बिहाइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, और वहाँ हो जाएगा लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो वो बिल्कुल अपोजिट है जैसे मैंने बताया। तो दो प्रीफिक्स हमने देखे, पोस्ट जो बिहाइंड और आफ्टर को शो करता है, प्री जो बिफोर और इन फ्रंट को शो करता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास रेट्रो। रेट्रो का मीनिंग क्या होगा? बैकवर्ड या बिहाइंड। तो अगर किसी चीज़ को बैकवर्ड या बिहाइंड शो करना है, अब क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे भी हमने बिहाइंड यूज़ किया था पोस्ट के लिए, तो वो अल्टरनेटिव है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे ऐसे आपको अल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे, तो वो हमें सबको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म को हम किस किस प्रीफिक्स से यूज शो किस कर सकते हैं। तो यहाँ का जो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारे पास रेट्रो बुल्बर। रेट्रो बुल्बर मीन्स बिहाइंड द आई बॉल। तो किसी भी चीज़ को अगर आई बॉल के बिहाइंड शो करना, पीछे शो करना, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी रेट्रो पुल्पर, जहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? रेट्रो है। वैसे ही हमारे पास आता है रेट्रो वर्जन। रेट्रो वर्जन मीन्स द टिपिंग और टर्निंग बैकवर्ड ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें बैकवर्ड शो करना है तो उस केस में भी हम यूज़ करेंगे रेट्रो वर्जन। टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है और यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज़ हो रहा है? रेट्रो। उसी तरह से हमारे पास आता है रेट्रोमोलर। रेट्रोमोलर मींस बिहाइंड द मोलर टीथ। तो किसी पार्टिकल, किसी सब्सटेंस को अगर आपको शोकेस करना है बिहाइंड द मोलर टीथ, तो उस केस में हम यूज करेंगे रेट्रोमोलर। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड हम कब यूज करते हैं? मूविंग बैकवर्ड और अगेंस्ट द यूजुअल डायरेक्शन। तो अगर किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को बैकवर्ड या अगेंस्ट द यूजुअल डायरेक्शन शो करना है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी रेट्रोग्रेड, और जहाँ पे प्रीफिक्स क्या हमारे पास? रेट्रो। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे जो मैं आज डिस्कस करने वाला था आप लोगों के साथ में, पोस्ट, प्री और रेट्रो। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे।
और आज का जो क्वेश्चन है वो यह है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स पैरा और पैरी। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू करके इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।